गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बहुत दिन हो गए थे और आपके पास में मैंने पहले 5 वीडियोस डाले थे क्लासिकल थ्योरी के प्रतिष्ठित सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के और एडम स्मिथ के डाले थे। मैंने उसमें ज़िक्र भी किया था कि एडम स्मिथ के सिद्धांत की कुछ खामियां हैं जिसको कि सुधार करके फिर रिकार्डो, वो भी दूसरे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो मैंने आपको एक टेबल शो करी थी जिसके माध्यम से मैंने बताया था कि किस तरह से एडम स्मिथ ने विशिष्टीकरण, श्रम के विशिष्टीकरण और श्रम के विभाजन की बात करी। लेकिन उनके सिद्धांत में 3 कमियां थी जो मैंने आपको उल्लेख भी किया था, और वो जो टेबल थी वो ज़रूर उसमें स्पष्ट दिख नहीं रही है वीडियो में। मैं दोबारा आज उसका चित्र खींच के और ढंग से आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। पहले हम एडम स्मिथ के सिद्धांत की जो कमियां हैं वो एक बार पुनः देख लेते हैं। सिद्धांत में कमी थी कि व्यापार से हुए उत्पादन वृद्धि, यानी कि लागत में जो कमी आई, के वैश्विक लाभों का वितरण प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच किस प्रकार व कैसे किया जाएगा का कोई प्रारूप या माध्यम स्पष्ट करने में एडम स्मिथ का सिद्धांत असफल रहा है। ये बड़ी जटिल सी भाषा है, किताब में लिखी है। इसका सरल सा अर्थ यह है कि जब व्यापार दोनों देशों में होने लगता है तो उसमें दोनों को ही कुछ किफ़ायतें मिलती हैं, लागत से संबंधित किफ़ायत मिलती है और पूरी तरह से विश्व में लाभ, एक लाभ होता है, एक गेन्स फ्रॉम ट्रेड होता है। व्यापार की वजह से दोनों को लाभ हो जाता है और वो विश्व में भी अगर आप टोटल देखो तो टोटल आउटपुट बढ़ता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल में भी दिख रहा है कि टोटल आउटपुट बढ़ता है, लेकिन ये टोटल आउटपुट बढ़ा और जो लागतों में जो कमी आई, अब वो लागतों में कमी अगर आती है तो दोनों देशों में आपस में बंटवारा कैसे होगा। हो सकता है कि लागतों में कमी को ज़्यादा फ़ायदा एक्स देश ने उठा ले और वाई देश वंचित रह जाए, तो दोनों में टर्म्स ऑफ ट्रेड होनी चाहिए। एक व्यापार की नियमों में ये भी तय होना चाहिए कि अगर लागतों में किफ़ायत हो रही है तो उसका भी, हमें उस लाभ का भी बंटवारा होना चाहिए। तो इसके बारे में कोई स्पष्ट बात एडम स्मिथ नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत यह भी स्पष्ट करने में सफल नहीं रहा है कि उस स्थिति में क्या होगा जब एक राष्ट्र तो अपने साधनों का हस्तांतरण पूर्णतया उस वस्तु के उत्पादन की ओर कर देता है। ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये वाली कमी वो है जिसमें ये बताया, ये बात स्पष्ट होती है कि अगर किसी देश को दो देशों ने आपस में व्यापार शुरू किया और फिर एक देश ने तो अपने सारे साधन जो हैं उस वस्तु की ओर लगा दिए जिस वस्तु से उनको, जिस वस्तु में उसको एक्सपोर्ट करना है, और इम्पोर्ट करने वाली से सारे के सारे साधन उसने हटा दिए और इम्पोर्ट करने लग गया वो दूसरे देश से। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा देश भी ऐसा ही कर रहा हो, तो इसमें, इस बारे में ये बात स्पष्ट नहीं करता। हो सकता है कि वो अचानक से छोड़ दे आपसे इम्पोर्ट करना, तो नुकसान भी हो सकता है, तो इस बारे में ये कोई स्पष्ट बात नहीं कहता। तीसरा है, यह सिद्धांत श्रम की उत्पादकता में पाए जाने वाले अंतरों की को कहीं भी स्वीकारता नहीं है। यद्यपि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भूमि की मात्रा व उसके उपजाऊपन, जलवायु, पूंजी, मानवीय श्रम आदि के अंतरों को श्रम की उत्पादकता में अंतरों के कारणों के रूप में स्वीकार किया है, तो जबकि रिकार्डो की ही थ्योरी है, लैंड की थ्योरी है, उन्होंने खुद ने अंतर बताया है, विभिन्न कैटेगरीज ऑफ लैंड बताई हैं, लेबर के कारण भी, लेबर के भी डिफरेंसेस बताए हैं, कार्यकुशलता के भी। तो जब ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ये जो व्यवहार से थोड़ा सा दूर ये सिद्धांत है। तो ये आपका
कमियां हैं। फिर रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया और बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, जब हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज समझ लिया तो हमें तुलनात्मक लागत भी तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक लागत में रिकार्डो ने ये कहा कि यदि दो देश दो वस्तुएं बनाते हैं, मान लीजिए पोर्चुगल और इंग्लैंड, शराब और कपड़ा दोनों ही देश बनाते हैं, पोर्चुगल भी बनाता है और इंग्लैंड भी बनाता है, और दोनों ही वस्तुओं में एक देश ज़्यादा उत्पादन कर लेता है, मतलब उसकी जो लागत है वो कम है, यानी कि वो एक घंटे में उसका एक लेबर ज़्यादा शराब की इकाइयाँ और कपड़े की इकाइयाँ उत्पादन कर रहा है दूसरे देश की अपेक्षा। मतलब इंग्लैंड मान लीजिए कि दोनों ही चीज़ें ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर लेता है एक घंटे के अंदर में, और पुर्तगाल जो है वो दोनों ही वस्तुएं कम मात्रा में उत्पादित कर पाता है। अर्थात पुर्तगाल में दोनों ही वस्तुएं महंगी बनती हैं और इंग्लैंड में दोनों ही वस्तुएं सस्ती बनती हैं। लेकिन अब इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में अगर ट्रेड होना है तो कैसे निर्णय लिया जाएगा, तो रिकार्डो ने कहा कि निर्णय लेने के लिए इंग्लैंड ये देखेगा कि दोनों वस्तुओं में से कंपैरेटिवली उसको उसकी माहिरी कौन से में ज़्यादा है। मतलब वो अगर कपड़ा ज़्यादा अच्छे से बनाता है तो वो मतलब कपड़ा में वो कंपैरेटिवली सस्ता बनाता है शराब की अपेक्षा, तो वो क्या करेगा कि शराब वो पुर्तगाल से ख़रीदने लग जाएगा और सारी लेबर को वो कपड़ा बनाने में लगा देगा और कपड़े को एक्सपोर्ट करेगा। इसी प्रकार पुर्तगाल ये सोचेगा कि दोनों ही में मैं कम हूँ लेकिन एक वस्तु में बेहतर तरीके से बना पाता हूँ, मान लीजिए वो शराब बेहतर तरीके से बना पाता है, मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कम लागत में बना पाता है, तो वो क्या करेगा सारा संसाधन जो है उसका वो शराब बनाने में लगा देगा और कपड़ा वो इंग्लैंड से इम्पोर्ट कर लेगा। तो ये सीधी सी सिंपल सी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है। इस कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी अगर आपसे पूछते हैं कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या करें तो आप एडम स्मिथ की पूरी व्याख्या करके और फिर आपको मतलब फिर आपको रिकार्डो की भी देनी पड़ेगी, फिर आपको जेएस मिल की भी देनी पड़ेगी, तो शॉर्ट में आप सुधार कैसे किया उन्होंने कंपैरेटिव, तो आप शॉर्ट में दे सकते हैं। अगर आपको वैसे तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रतिष्ठित इस तरह से नहीं आता, उसमें ऐसे आता है कि एडम स्मिथ का बताएं या फिर रिकार्डो का बताएं, तो आपको फुल लेंथ आंसर देना है। तो अब हम रिकार्डो की थ्योरी के एजम्पशंस कर लेते हैं और हम वो टेबल देखेंगे। बहुत ही आसान थ्योरी है इसकी और बहुत जल्दी इसका अभी आज हम कर लेंगे, तो आप इसके सिद्धांत की मान्यताएँ लिखिए, क्योंकि कोई भी सिद्धांत अगर हमें व्याख्या करनी है तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि ये सिद्धांत किसने दिया और फिर ये सिद्धांत किसने दिया, जैसे डेविड रिकार्डो ने दिया, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहलाता है और वो एब्सोल्यूट लाभ का सिद्धांत है, ये तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, तो रिकार्डो ने दिया। और इस सिद्धांत का जो एक और नाम है, एक तो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत है और एक मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज और एक कंपैरेटिव लागत सिद्धांत भी है, मतलब तुलनात्मक लागत सिद्धांत भी है। तुलनात्मक लाभ और तुलनात्मक लागत, वो निरपेक्ष लाभ और निरपेक्ष अंतर, लागतों में निरपेक्ष अंतर वो था। तो ये दोनों में ये अंतर है और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉपीज़ में चेक करते टाइम देखा है कि विद्यार्थी बिना वजह इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए और अब हम इसकी एजम्पशंस करते हैं रिकार्डो की थ्योरी की। रिकार्डो की थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं उसमें एजम्पशन नंबर वन, ये भी लेबर थ्योरी पर है, मूल जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि मूल्य श्रम के मूल्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है ये सिद्धांत भी।
तो सबसे पहले इसमें भी वही है कि उत्पादन में केवल एक साधन श्रम ही होता है, ये भी इन्होंने भी यही माना है, उत्पादन में केवल एक ही साधन होता है श्रम, और यह भी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित है, इसलिए एक ही साधन को ये मानते हैं। सेकंड, श्रम पूर्णतया समरूप होता है, अर्थात श्रम की कार्यकुशलता में कोई अंतर नहीं होता, ये भी ये मानते हैं। और इन्होंने मतलब इसको इन्होंने भी ये कहा है कि कार्यकुशलता में उद्योग व स्थान आदि में विभिन्नता नहीं पाई जाती, तो ये भी वही मान रहे हैं। थर्ड अजम्पशन है कि उत्पादन के साधन जो केवल यानी कि श्रम है, देश के भीतर पूर्णतया गतिशील होते हैं और भिन्न राष्ट्रों के बीच में पूर्णतया गतिशील, सेम टू सेम अजम्पशन है जो कि एडम स्मिथ ने भी मानी है। फिर फोर्थ अजम्पशन है, उत्पादन में स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागत पाई जाती है। उत्पादन में स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागत पाई जाती है, इसका तात्पर्य आप लोग समझते होंगे कि अगर इनपुट दुगना किया तो आउटपुट भी दुगना हो जाएगा, इनपुट आधा किया तो आउटपुट भी आधा हो जाएगा, तो बिल्कुल बराबर, यानी कि जितना आप इनपुट बढ़ाएंगे उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा, तो हम कहते हैं कि स्थिर प्रतिफल मिलते हैं। और यह भी 2:2:1 मॉडल पर आधारित है, यानी कि दो वस्तुएं, दो देश और एक ही संसाधन। इसमें भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं मानी जाती हैं, जैसे उसमें भी परिवहन लागतें नहीं मानी जाती थी, और पूर्णतया फ्री ट्रेड है, स्वतंत्र व्यापार जो कि एडम स्मिथ ने भी माना था, और ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, रिकार्डो ने भी यही माना है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है। अब इसके बाद रिकार्डो की एक टेबल है, आप एजम्पशंस लिखने के बाद में सीधे टेबल दे दें, और वो टेबल मैं अभी आपको आप लिख लीजिए या आप एक बार देख भी लीजिए, मैं फ़ोटो भी दे देती हूँ उस पर, मैं वीडियो में ही दे देती हूँ आपको टेबल। और ये टेबल अगर आपने अच्छी से लिख दी तो बस आपके पूर्व में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपेक्षा हम लोग नहीं करते हैं, एमए लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए रहती है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को ये स्पष्ट लिखने से भी आपके नंबर आ जाएंगे। तो आप इस टेबल को नोट करें,